हेलो, गुड मॉर्निंग ऑफ एवरी स्टूडेंट ऑफ एनी क्लास. एनी स्टूडेंट इफ हैव एनी प्रॉब्लम इन इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश स्पीकिंग एंड एनी प्रॉब्लम, देन टुडे वी आर गोइंग टू लर्निंग वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट. टुडे इन दिस वीडियो वी ओनली लर्न वोवल्स इन हिंदी. वी से स्वर एस डब्ल्यू ए आर. सो डियर स्टूडेंट, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर इंग्लिश रीडिंग. स्वर एंड व्यंजन सीखने के बाद कोई भी स्टूडेंट यदि वीक है तो वो इंग्लिश की रीडिंग है वो इजी वे में कर सकते हैं. ओके, सो आई स्टार्ट एट फर्स्ट ए आर. ए हैव नो मात्रा, यानी ए है जिसके कोई मात्रा नहीं है. आ आपकी ये मात्रा होती है. देन आफ्टर ई, ई की इसको अपन अपनी लैंग्वेज में छोटी ई भी बोलते हैं और इसकी जो मात्रा होती है पीछे की साइड में होती है. एंड ई जिसको अपन बोलते हैं बड़ी ई, जिसकी मात्रा आगे की साइड से होती है. देन आफ्टर ऊ, छोटा ऊ, नीचे लगती है ये मात्रा. यदि अपन अपनी वारंटी लिखेंगे तब ये मात्रा कहाँ लगती है, नीचे की साइड में. कोई भी अपने पास में व्यंजन है उसके नीचे की साइड में ये अपन पुट करते हैं. देन आफ्टर ऊ, बड़ा ऊ, जिसमें ये मात्रा उसके नीचे लगती है. री, री को अपन वारंटी लिखने के अंदर अपन काउंट नहीं करते हैं, इसके कोई मात्रा नहीं होती है, ये अक्षर के नीचे लिखी जाती है. देन आफ्टर ए, जिसके ऊपर वन एक मात्रा होती है. आई, दो मात्रा होती है. ओ, आ की मात्रा ऊपर एक मात्रा होती है. औ, दो मात्रा. औ, इसके अंदर ऊपर एक डॉट होता है. अ, इसके अंदर क्या होता है, डबल डॉट होते हैं, वो अक्षर के आगे होते हैं. सो इन इंग्लिश अ ए, यदि अपन को कहीं पे भी अ लिखना है उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, अ. ओके, जैसे अपन को फॉर एग्जाम्पल अनार लिखना है तो सबसे फर्स्ट वर्ड है यदि अपन अनार लिखेंगे, ये है आपका अनार, तो ए के लिए अपन क्या लिखेंगे, ए. ओके, सेकंड आ, ए में कोई मात्रा नहीं होती इसलिए ए. आ के अंदर आ की मात्रा होती है ये, इसलिए डबल ए. ओके, छोटा ई, छोटा ई यदि कहीं पे भी अपनी बारकड़ी के अंदर काउंट होता है तो उसके लिए अपन मात्रा, छोटी ई की मात्रा जो होती है उसके लिए इंग्लिश जो अल्फाबेट है वो क्या यूज में लेंगे अपन, आई. बड़ा ई, इसके लिए इंग्लिश अल्फाबेट होंगे डबल ई. देन आफ्टर री, री के लिए होता है आई आर. ऊ, छोटा ऊ होता है उसके लिए होता है यू. बड़ा ऊ, डबल ओ. ए, यदि छोटी एक सिंगल मात्रा यदि है तो उसके लिए क्या होगा, ई. आई, जिसके ऊपर डबल मात्रा होती है बारकड़ी के अंदर उसके लिए अपन ए आई भी लिख सकते हैं एंड ई भी यूज में लेते हैं अकॉर्डिंग टू अपना जो वर्णमाला के अंदर जो अपन कोई भी शब्द वगैरह लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन लिख सकते हैं. ओ, ओ के लिए ओ ही होता है. औ, ए यू. अंग, अंग के लिए ए एम एंड ए एन, बोथ वी कैन यूज. अपन दोनों में से कोई सा भी यूज में ले सकते हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस. अपने पास में किस तरीके से अपन ने वाक्य में किस शब्द को कैसे प्रयोग किया है उसके अकॉर्डिंग. देन आफ्टर आता है अ, अ के बाद में अ है, ये जो डॉट होता है उसके लिए ए एच, या अपन लिख सकते हैं ए एच ए. ओके, सो डियर स्टूडेंट, लर्न दीज वोवल्स इन हिंदी एंड इन इंग्लिश ऑल्सो. ओके, थैंक.